हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MCQ सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, कई YouTube वीडियो मैंने देखे हैं जिसमें बताए गए हैं कि जो रीट के एग्ज़ाम को लेके वीडियो है, रीट का एग्ज़ाम बता रहे हैं कि जो पहली पारी का पेपर दोबारा होगा, ये सरासर गलत है। जबकि जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा बताया गया है कि जो अलवर में, जी हाँ अलवर में, ट्रैफिक की वजह से कमला देवी महाविद्यालय के अंदर पर रीट का पेपर है वो देरी से पहुँचा था, इसके कारण वहां के अभ्यर्थियों ने पहली पारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया था। अब शिक्षा विभाग के द्वारा नोडल एजेंसी की मदद से अलवर के ढीकवाड़ा केंद्र पर, जी हां अलवर के ढीकवाड़ा केंद्र पर फिर से परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा, जिसमें कमला देवी महाविद्यालय केंद्र के लगभग 600 अभ्यर्थी, जी हाँ 600 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा ये जानकारी दी गई है, क्योंकि अलवर में जो हाईवे पर ट्रैफिक था जिसकी वजह से पेपर समय पर नहीं पहुंच पाया था, उसके बाद वहां मौजूद अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने से मना कर दिया था। तो इस दौरान अभ्यर्थियों ने अतिरिक्त समय, अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा टाइम भी देने की बात कही गई थी, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी नहीं माने। तो नोडल अधिकारी की देखरेख में अलवर में अगले 3 सप्ताह में रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 600 अभ्यर्थी जो पेपर देने से वंचित रहे थे उन्हीं के लिए। तो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा बताया गया था कि रीट की परीक्षा है एक उत्सव के तौर पर, इसको बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। देश भर में आपको बता दें कि 25 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी राजस्थान के आसपास के स्टेट से भी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें रीट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हम कह सकते हैं कि ये बड़ी परीक्षा है। साथ ही साथ इसमें जो पेपर लीक का भी मामला सामने आ रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।